चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की भुजिए। तो इस तरह से करके हम करेले को लंबा लंबा करके काट लेंगे, पतला पतला। पहले से ही मैंने करेला को धो के रखी थी और पूरे करेले को इस तरह से हम करके कट कर चुके हैं। अब इसमें हम बेसन को ऐड कर लेते हैं 2-3 चम्मच। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला और थोड़ा सा मिर्च पाउडर करके पूरे को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे मैश कर लेते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक को भी ऐड कर चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से इसको भी मैश कर लेते हैं। मैश हो गया तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई गर्म हो चुका है तो अब इसमें तेल डाल देंगे। तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें जीरा का हम फोड़न देंगे और इसमें जो हम करेले मिक्स मैश करके रखे हुए थे उसको डाल के इस तरह से करके हम फ्राई करते जाएंगे। थोड़ा पक जाए इसके लिए हम थोड़ा ढक देंगे इसकी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, आप भी ट्राई करिए। जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। देखिए अब बन चुका है भुजिया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।